लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। रजिस्टर में चौंकाने वाली बातों से बुराड़ी हत्याकांड में आया नया मोड़, पूरा पढ़े। बुराड़ी के संतनगर में सामूहिक आत्महत्या मामले में घर से मिले दो रजिस्टर की जांच के दौरान क्राइम ब्रांच कुछ चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी हैं। रजिस्टर में लिखावट छोटे बेटे ललित भाटिया की है, जिसको वे 2015 से लिख रहा है। पुलिस ने बताया कि रजिस्टर में ललित वे सारी बातें लिखता था जो वे अपने सपने में अपने स्वर्गीय पिता भोपाल सिंह से करता था। भोपाल सिंह की मौत 10 साल पहले हो गई थी। पुलिस को अपनी जांच में पता चला कि ललित के सपने में कभी कभी उसके पिता आते और उनसे जो भी बात करते उन्हें ललित रजिस्टर में लिख लेता था। ऐसी बातों के अलावा भी ललित कई साधनाओं के बारे में भी लिखता था। पढ़ें रजिस्टर में लिखी कुछ बातें। एक, हर व्यक्ति प्रभु दर्शन के लिए नियम के तहत अपनी अपनी आँखों में पट्टी बांधना है ताकि कोई एक दूसरे को देख न सके। आँखों में सिर्फ परम स्थान दिखाई दे दो। श्रद्धा के साथ 7 दिनों तक लगातार बरगद के वृक्ष की पूजा करें। अगर कोई घर आए तो यह कार्य अगले दिन करें। इसके लिए गुरुवार या रविवार का दिन चुनने। 3, अगर बुजुर्ग महिला नारायण देवी खड़ी नहीं हो सकती हैं तो वे दूसरे कमरे में लेट सकती हैं। अनुष्ठान के लिए मध्यम प्रकाश का उपयोग करें। बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या की गई थी। इस महिला का शव दूसरे कमरे में मिला है। 4, रात 12 बजे से 1 बजे के बीच अनुष्ठान करें ताकि कोई तुम्हें बाधा न पहुंचाए। जब तुम सब उस दौरान फांसी पर लटक जाओगे तो भगवान अचानक प्रकट होंगे और उसी क्षण तुम्हें बचा लेंगे। 5, प्रभु के मार्ग में जाने के दौरान किसी तरह के शोर शराबे से बचने के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना है। 6, हरि दर्शन के उपाय खास तौर से मंगलवार, शनिवार या फिर रविवार को ही करना है। 7, इस दौरान अपने कान में रुई डालना है ताकि परिवार के सदस्य एक दूसरे की आवाज तक न सुन सकें। घर में एकदम शांति हो। 8, भगवान दर्शन की क्रिया के पहले हवन करना है। लोहे के हवन कुंड में अनुष्ठान करने के सबूत मिले हैं। 9, भगवान दर्शन के लिए हाथ पैर बांधते हुए रस्सी से लटकते वक्त झटपटाहट होने पर घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान दर्शन देंगे। 10, हवन के बाद भगवान दर्शन क्रिया शुरू करते वक्त घर की विधवा महिलाएं परिवार से कुछ दूर यह सब करेंगी। 11, भगवान का दर्शन करने के बाद आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ललित के घर से चंद कदमों की दूरी पर अनिल नामक लोहे का काम करने वाले वेल्डर की दुकान है। पूछताछ के दौरान अनिल ने बताया कि पिछले 1 साल से ललित के मकान में काम चल रहा था। उसने ही घर में लोहे का सारा काम किया है। करीब 3 माह पूर्व ही ललित के कहने पर उन्होंने मेन गेट बनाया था। अनिल ने बताया कि ललित ने ही गेट का डिजाइन उसे बनाकर दिया था। उसके आधार पर उसने गेट बनाया था। 11 पत्तियों के बारे में पूछने पर अनिल ने बताया कि जैसे उसने डिजाइन बनाया था वैसा ही गेट बनाया था। उसने पत्तियां भी उसी डिजाइन के अनुसार बनाई थी। छानबीन के दौरान पता चला है कि घर के बच्चे शायद इसके लिए तैयार भी नहीं थे। परिवार के लोगों ने उनके हाथ इसीलिए बेहद टाइट कर बांधे थे। प्रियंका के अलावा शायद घर के बच्चों को उसी दिन क्रिया करने के बारे में बताया गया था। सभी को यह भी विश्वास दिलाया गया था कि उनको कुछ नहीं होगा, भगवान उनको मौके पर पहुंचकर बच्चा लेगा। रजिस्टर से यह भी पता चला है कि रविवार सुबह 4:38 बजे भद्राकाल लग रहा था। भद्राकाल अशुभ होता है, लिहाजा मोक्ष की प्राप्ति भद्राकाल लगने से पहले ही होगी। इसीलिए परिवार ने रात 12:00 से 1:00 बजे के बीच खुद को फंदे पर लटका लिया। कहीं न कहीं उन्हें खुद के बचने का यकीन था। सपने में ही नहीं, साक्षात ललित पर आती थी आत्मा। पिता के नाम पर सुनाया जाता था फैसला। बुराड़ी हत्याकांड की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रोज ही नए और अजीबोगरीब खुलासे हो रहे हैं। 11 लोगों की मौत के रहस्य की जांच करते हुए पुलिस के हाथ ललित के घर से जो 2 रजिस्टर व कुछ नोट्स मिले हैं, उससे पता चला है कि न सिर्फ ललित के पिता उसके सपने में आते थे बल्कि उनकी आत्मा साक्षात उस पर आ जाती थी।